देखिए, मैंने आपको समझाया था 492, ये एक तरह से चाइनीज पत्ती है। ये जो कछुआ मिला था उसको ऊपर ये कोण फिक्स थे, जिस जैसे 12 भाव होते हैं, काल उसकी कुंडली होती है, उसमें एक नंबर से लेके 12 नंबर तक, इसी तरह से ये ग्रिड फिक्स है। इसे आप परमानेंट लिख लें, याद कर लें, 492 3 5 7 8 1, उसी तरह से अपनी कुंडली को आपको इसी तरह से लगा, जो अंक जहां है उस अंक को वहीं लिख देना। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसे हम मूल्यांक बोलते हैं, और जो हमारा टोटल होता है उसे हम भाग्यांक। अब 492 ये मानसिक तीर बोलते हैं, जिसके पास होता है उसमें दिमाग की सोचने की बहुत शार्प प्रवृत्ति। अब इसके अंदर क्या आता है, 492 मेंटल प्लान है, 357 इमोशनल प्लान है, 816 प्रैक्टिकल प्लान। देखो, कुंडली को जोड़ने का तरीका तो आपको अपने दिमाग, अपनी मानसिकता से ही ऊपर जा कर देगा। मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप जोड़ना शुरू। अच्छा, अब मैंने क्या बताया आपको, जो 438 होता है, 492 है आपके पास, इसका मतलब है कि आपकी सोचने की शक्ति बड़ी मजबूत। अगर 357 है तो आपको इमोशनल पावर है, आपका 816 है तो प्रैक्टिकल। अगर यही नंबर आपके पास नहीं है, 492 नहीं है, तो आपकी मानसिक स्थिति खराब है। 357 नहीं है तो आप इमोशनल व्यक्ति नहीं है। देखिए, मैंने आपको समझाया था 492 ये एक तरह से चाइनीज पत्ती है। ये जो कछुआ मिला था उसको ऊपर ये कोण फिक्स थे, जिस जैसे 12 भाव होते हैं, काल उसकी कुंडली होती है, उसमें एक नंबर से लेके 12 नंबर तक होते हैं ना, इसी तरह से ये ग्रिड फिक्स है। इसे आप परमानेंट लिख लें, याद कर लें, 492 3 5 7 8 1, इसी तरह से जो चार्ट में 492 3 5 7 8 1 6 है, उसी तरह से अपनी कुंडली को आपको इसी तरह से लगाना है। जो अंक जहां है उस अंक को वहीं लिख देना। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसे हम मूल्यांक बोलते हैं, और जो हमारा टोटल होता है उसे हम भाग्यांक बोलते हैं। समझ रहे हैं अजय जी? अब 492 ये मानसिक तीर बोलते, जिसके पास होता है उसमें दिमाग की सोचने की बहुत शार्प प्रवृत्ति। अब इसके अंदर क्या आता है, 492 मेंटल प्लान है, 357 इमोशनल प्लान है, 816 प्रैक्टिकल प्लान। देखो, कुंडली को जोड़ने का तरीका तो आपको अपने दिमाग, अपनी मानसिकता से ही ऊपर जा कर देगा। मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप जोड़ना शुरू। अच्छा, अब मैंने क्या बताया आपको, जो 438 होता है, अब जिसके पास, ये तो तीन लेन होगी, अब सीधी लेन, इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल रो। 438 9 5 1 2 7 4 3 8 क्या है, थ्रोट प्लान। ऐसा व्यक्ति बहुत तिकड़मबाज होता है, राजनीतिज्ञ होता है। अगर आप राजनीति में जाना चाह रहे हैं और ये अगर आपके पास 438 नहीं है तो आप राजनीति में सफल नहीं हो पाए। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी समस्याएं हल करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पंडित जी गलत बोल रहे हैं या आप गलत, आपके भाग्य में वो लक्षण नहीं है। अगर आप इसमें अपना टाइम खराब करेंगे तो आपको नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आप सफल नहीं हो पाए। 951 विल पावर। अगर किसी के पास 951 है, उसके सोचने की शक्ति बड़ी मजबूत है। पर्सनल ईयर क्या होता है, पर्सनल ईयर का मतलब है जो आने वाला साल है वो हमारे लिए कैसा होगा। पर्सनल ईयर कुआ नंबर के बारे में आप जानते हैं? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, उसका जो ईयर है, जैसे सपोज करो 1964 यहाँ लिखा हुआ है, तो 1964 का 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 को टोटल करना है। तो 1 प्लस 9 10 हो गया, और 6 प्लस 4 10 हो गया, यानी 112।
अब अगर आपको मेल का कैलकुलेट करना है तो जो भी उसका टोटल आया उसको 11 में से माइनस करना है, और फीमेल है तो 4 में प्लस करना है। समझे। अब आता है पर्सनल, मतलब पर्सनल डेट। अब पर्सनल ईयर एक और पर्सनल मंथ दो और पर्सनल डेट। डेट क्या है? जिस डेट को आप ये निकाल रहे हैं, जैसे डेट आज है 22, 22 इन्हें जोड़ देंगे, 1 और 2 3 2 5 और 2 7, पर्सनल डेट आ गई 7। इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुभ कर काम करने के लिए जाता है। जब वो शुभ काम करने के लिए जाता है तो वो पूछता है, पंडित जी के पास जाता है कि पंडित जी मुझे स्कूटर परचेज करना है, मुझे मोटरसाइकिल परचेज करनी है, मुझे मकान परचेज करना है, कैसा मेरा कौन सा दिन मैं उसे खरीदू, मैं ये कौन सा दिन मेरा शुभ है जिसको मैं ये काम करूं, मुझे बच्ची की सगाई कर। जब हम निकालेंगे पर्सनल डेट तो इनकी डेट निकल के आई 7। 7 हो सकती है और 16 हो सकती है और जो भी 25 हो सकती है। आप उसे 3 डेट बता सकते हैं कि 7 16 25, इन तारीखों में से कोई सी भी तारीख में आप काम करो तो आपके लिए शुभ होगा। तो ये मैंने पर्सनल ईयर बताया, पर्सनल मंथ बताया और पर्सनल डेट बताई। अब ये मैंने क्लियर कराया इस चैप्टर। मैं तो बहुत टाइम खराब करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, वास्तव में मैं बेवकूफ हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं बिल्कुल गहराई से लेके जा रहा। अब क्या होता है, अंकों की तारीख और स्वामी ग्रहों को कैसे जाने? ठीक है, अंक की तारीख, नंबर एक सन सूर्य। हम किसी भी चीज को हमें देखना है, नंबर एक सूर्य, 1 10 19 28, 2 मोर, इसको हम कैसे देखेंगे? 2 11 20 29 वाले व्यक्ति होंगे वो 2 से संबंधित। हमें पूरी डेट नहीं बोलनी। और हम अब तीन, 3 नंबर का जो स्थान होता है, 3 12 21 23, ये 3 नंबर होता है जुपिटर गुरु। 4 नंबर राहु, 4 13 22 31, 4 13 22 31 राहु। मरकरी बुध 5 नंबर, 5 14 23, 6 नंबर वीनस शुक्र, 6 15 24 केतु, 7 16 25 केतु, शनि 8 नंबर सटन शनि, 8 17 26 मार्स मंगल, 9 18 27। आप कंफ्यूजन हो रहे थे कि इतना टोटल को एक तो बोल देते हैं, 20 बोल देते हैं, 18 बोल देते हैं, 25 बोल देते हैं, तो हमें उसे एक अंक में बोलना है। सरलता से सीखें, सहजता सीखें, मानसिकता को एकाग्र करके आप सब कुछ सीख जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रख के सीखें, जल्दबाजी मत करें, कंटिन्यूटी बना करें। फिर मैंने कहा था कि वीडियो देखें, नहीं देखें, नेचर है मानव का। प्राप्ति जब भी कुछ होगी, जब तक हम कामयाब वही व्यक्ति हो पाता है। क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं, 10 स्टूडेंट होते हैं, एक महान होता है, 4 हैवान होते हैं, 5 नॉर्मल होते हैं। जो महान बनता है वो महानता के कार्य करता है, इसलिए वो महान बनता है। अन्यथा वो कोई भी व्यक्ति महान वही बनेगा संसार में जो महानता के कार्य। एक लकी डे होता है संडे, रविवार लकी डे होते हैं, संदर्भ ध्यान रखो। 1 नंबर का मूल्यांक एक होता है संडे रविवार, 2 मंडे सोमवार, 3 थर्सडे बृहस्पतिवार, 4 मूल्यांक का संडे रविवार,
पांच वेडनेसडे बुधवार, छह फ्राइडे शुक्रवार, सात मंडे सोमवार, आठ सैटरडे शनिवार, नौ ट्यूसडे मंगलवार। इन नंबरों के अनुसार उनको डेटों को लिखा जाता है उनके मंथों। जब उनको मंथों को लिखेंगे तो हम सफलता की तरफ चलेंगे। ये हमारा एक तरह से चैप्टर क्लियर हो जाता है। अब मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूं सकारात्मक योग का विश्लेषण। जो हमारा फोर्थ लोशो ग्रेड का योग, इस अध्याय पे आप लक्ष्मी इंद्र के योग के विशेष प्रभाव, जैसे मैंने बताया था 4-3-8, ये प्लानिंग निर्माता होता है योजना का। 9-5-1 संकल्प शक्ति, 2-7-6 कर्मठता, 4-9-2 बुद्धि विवेक, 3-5-7 आध्यात्मिकता, 8-1-6 समृद्धि, 4-5-6 भावनात्मक, 8-5-2 दृढ़ निश्चय संकल्प शक्ति, 8-5-2। अगर ऐसा करता है तो व्यक्ति वो महानता की तरफ चलता है, कभी भी उसे परेशानी नहीं आती। अब इसके साथ में एक और छोटा सा क्लियर कर देता हूँ आपका, नकारात्मक योग का विशेषण। ये तो सकारात्मक बताया, अब नकारात्मक बताते। ये हमारा 4-3-8 अगर नहीं है, अव्यवस्थित मन का चलाए मान, 9-6-1 का अनिश्चितता, 2-7-6 उदासीनता मन में भय, 4-9-2 मंद स्मरण शक्ति, 3-5-7 एकाकीपन, 8-1-6 नुकसान होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा नुकसान करेगा, 4-5-6 शंका का दृष्टिकोण, और 8-5-2 निराशा की सोच। और किसी के पास 8-5-2 और 2-4-5-6 में नहीं होता तो कई बार हम मैंने अनुभव भी करा है कि ऐसे व्यक्ति पे कालसर्प दोष की उत्पत्ति भी होती है। ठीक है, अब मैंने ये भी आपका चैप्टर क्लियर कर दिया, और अंक होने पे बता दिया, अंक ना होने पे बता दिया, सकारात्मक मैंने इन दोनों बातों को आपको बता दिया, पर्सनल ईयर बता दिया, पर्सनल मंथ बता दिया, पर्सनल डेट। ठीक है।